नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मैंने ये पानी थोड़ा गुनगुना कर लिया है, तो इस गुनगुने पानी से मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसकी मदद से आप हाथ और पैरों के और उंगलियों के कालेपन को दूर कर सकते हैं। स्वच्छ सुंदर त्वचा हर लड़का और लड़की का एक सपना होता है, और इसके लिए बाजार में केमिकल युक्त फेशियल क्रीमों की भरमार है। देखिए, जिस तरीके से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं इन क्रीमों के, तो इसीलिए मैं आज आपको घरेलू नुस्खा इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपकी त्वचा को 10 साल तक जमा बना रहने देगा। तो इसमें केवल आपको एक सामग्री उपयोग करनी है, वो है बेकिंग सोडा। तो मैं आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा में एक्सफोलिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारी स्किन पर जमा मैल और गंदगी को साफ कर देता है। बेकिंग सोडा से होता क्या है कि हमारे जो स्किन में जो बैक्टीरिया और जीवाणु, वो बैक्टीरिया जम जाते हैं, उनको फुला के शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर आपके चेहरे पर मुहासे, दाग धब्बे, चेहरे की झाइयाँ हो गए हैं तो भी इस नुस्खे का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आप चलते हैं नुस्खे की तरफ, और आपको मैं बता देता हूँ कि बेकिंग सोडा में एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको करना क्या है कि एक कटोरे में गुनगुना पानी लेना है। तो इस तरीके से मैंने देखिए पानी ये गुनगुना ले लिया है। तो इस तरीके अब मैं लूंगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखिए, जिस तरीके से लोगों को पसीना आने के कारण बॉडी में से कितने सारे बदबू आती है, इसके लिए डिटर्जेंट्स यानी कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं पसीने की बदबू को हटाने के लिए, लेकिन वो कारगर नहीं होते हैं, वो इंस्टेंट नहीं होते हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा में एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज के कारण, अब इसको 2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए, बेकिंग सोडा में क्या होता है, जब किसी के साथ रिएक्ट करता है ना तो उसमें झाग बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ठंड उस गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा हम मिलाएंगे तो इसमें झाग नहीं बनेगी, क्योंकि ये पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरीके से पानी थोड़ा गर्म है, इसको मैं गुनगुना होने देता हूँ। तो अब आपको देखो, हर लड़का हर लड़की की चाहत होती है कि उसके हाथ पैर घुटने कोहनी गोरी हो। तो इस तरीके से इस नुस्खे को आप प्रयोग करिए। अब देखिए, इस पानी का करना क्या है आपको मैं बताऊंगा। इसमें अपने हाथों को ऐसे डुबो कर रखना है। देखिए, पानी थोड़ा गर्म है, ज्यादा गर्म हो गया, वैसे आपको गुनगुना करना है। देखिए, नहाने से पहले अगर आप इसको कर इस नुस्खे को अपनाते हैं तो और ही बेटर है। हाथ पैर गर्दन पीठ का कालापन जो होता है, घोटुओं का कालापन होता है, आप एक बड़े से बर्तन में गैस पर या किसी मशीन से पानी गर्म कर सकते हैं, गीजर से पानी गर्म कर सकते हैं। उसको लेकर पूरी बाल्टी में आप 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा की मिला दीजिए और फिर उससे नहा लीजिए, और अपने इस पानी से अपने हाथों की पैरों की इस तरीके से मसाज करिए सर्कुलर मोशन में। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आप मसाज करेंगे तो आपकी स्किन गोरी दमकती और आप 10 साल जवान दिखने लगेंगे। तो वीडियो मेरा यहीं तक था। मेरा तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अच्छे अच्छे नुस्खे लेकर आता हूँ, आपको महंगे फेशियल पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल में जाके आप ढेर सारे नुस्खों को अप्लाई कर सकते हैं। ये नुस्खे पूरी तरीके से आयुर्वेदिक होते हैं, इसलिए इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलता हूँ एक नए नुस्खे के साथ, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। हंसते रहिए और खुश रहिए।